पेशगोई करता हूँ, मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। ये लोग मुझे बदनाम और नाहल करने की कोशिश कर सकते हैं। इक्तदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ऐलान। सीनियर सहाफी से मुलाकात में बोले, पीर को अराकीने कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जा रहे हैं। काफ लीग उनके साथ अभी तक बेहतर चल रही है। वजीर आला पंजाब की बहाली से मुतालिक फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालती फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मुशावरा शुरू कर दी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखला राना सनाउल्लाह बोले, अदालती फैसले से पंजाब बुरी तरह मुतासर होगा। वजीर आला पंजाब के मामले का सुप्रीम कोर्ट नोटिस लें। इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील पर भी यूटर्न ले लिया। असम्बलियां किसी की घटिया सियासत की नजर नहीं करना चाहते। रहनुमा खाफ लीग तारिक बशीर चीमा ने पंजाब हुकूमत और इत्तेहादियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। साद रफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुस्लिम लीग खाफ के 10 अरकान असेंबली में 34 शुजात भी शामिल हैं। एतमाद का वोट डालेंगे तो पता चल जाएगा कितने लोग उनके जेर असर हैं। लोग 34 शुजात से राबतों में आ रहे हैं, उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। वजीर अतला शर्जी दराम मेमन ने तहरीक इंसाफ को नौटंकी करने वालों का टोला करार दे दिया। कहा, असमिया तहरीर करने का ऐलान महज ऐलान ही रहा। इमरान खान ब्लैकमेलिंग से इकदार हासिल करना चाहते हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, इदारे इमरान खान को सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर चुके। पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया करने में कसर नहीं छोड़ी। मौजूदा हाइब्रिड निजाम में किसी इदारे की इज्जत नहीं बची। सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स को दफ्तर में बंद किया जा रहा है। पार्लियामेंट रबर स्टैंप है। पीछे रहनुमा फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, एक ट्वीट पर 45 पर्चे हो रहे हैं। असद उमर का भी तंजिया ट्वीट, बोले कोई बचा तो नहीं जो अभी भी समझता हो कि मुल्क में जमहूरियत है। सियासतदान चौधरी निसार ने सियासी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, 35 साल से कभी बेईमानी नहीं की। अपनी कारकर्दगी पर नहीं, लोगों की खिदमत करके इत्मीनान है। नून लीग और पीटीआई की सियासत दुश्मनी में बदल चुकी है। इस्लामाबाद हमारे में जख्मी होने वाले पुलिस अहलकारों के बयान कलमबंद। हमलावर शख्स सफानी लगता था। हेड कांस्टेबल ने गाड़ी में मशकूक शख्स को चेक करने के लिए कहा तो उस दौरान नामालूम शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। अहलकारों का बयान, मुजमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन। 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। धमाके की तहकीकात के लिए डीआईजी की कमिश्नर को 8 रुकनी जायगी बनाने की सिफारिश। मौशी मैदान में पाकिस्तान का एक और इम्तहान। IMF ने लेवी कीमत में 300 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। रवा माली साल के दौरान 300 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के शॉर्ट फॉल का खदशा। जराए के मुताबिक शॉर्ट फॉल पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर जारी। पेशावर के GT रोड चिमकनी मोड़ के करीब गैस पाइपलाइन में आतिश जदगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। तर्जमान स्वीन ऑटम के मुताबिक मरम्मत का काम जारी है। शुमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। ज्यारत में दर्जा हरारत -10, चमन में -3 रिकॉर्ड। शहरी घरों में महसूर बाला इलाकों में भी बर्फ की सफेदी। कराची में भी क्वेटा की हवाएं चल पड़ी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, PCB के उबूरी चीफ सिलेक्टर तैनात। अब्दुल रजाक और राव इफ्तिखार अंजुम उबूरी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड का ऐलान करेगी।
قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف کی نئی زندگی کا آغاز نکاح کے مندر میں بن گئے. اسلام آباد میں نکاح کی تقریب میں شاہد آفریدی اور شاہین کی بھی شرکت. کراچی میں پاک نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کا میلہ سجنے کو تیار. شاہینوں کی بھرپور پریکٹس. دونوں ٹیمیں پیر سے پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہوں گی. دوسرا ٹیسٹ بھی کراچی منتقل کر دیا گیا. میچ 3 جنوری سے شروع ہوگا.